अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। क्या आप सलाजीत जानते हैं कि सलाजीत क्या चीज़ होती है? आज मैं आप हज़रात की खिदमत में ये बयान करने वाला हूँ कि सलाजीत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका तरीक़े इस्तेमाल क्या है, और अगर आप सलाजीत लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसे सलाजीत मिल सकती है। ये पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि सलाजीत क्या चीज़ है। याद रखें, सलाजीत एक ऐसा मादा है जिसको पहाड़ों का फातह भी कहा जाता है, यानी ये पहाड़ों को फतह करने वाला है, पहाड़ों को शिकस्त देने वाला है, और ऐसे ही इसको कमज़ोरी दूर करने वाला, कमज़ोरी ख़त्म करने वाला मादा भी कहा जाता है। सलाजीत ये कुदरती तौर पर पैदा होने वाला ऐसा मादा है जो काले तारकोल जैसा होता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में अल्लाह की जानिब से इसको पैदा किया जाता है। ये है सलाजीत। अब सलाजीत के फ़ायदे क्या हैं, सलाजीत क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए और क्यों खानी चाहिए? सलाजीत के बे इंतहा फ़वाइद हैं, बड़े बड़े सीरियस अमराज के लिए ये मुफीद है, लेकिन आजकल अवाम और इंसान जिन बीमारियों में मुबतला है, उन बीमारियों से मुतालिक और उन बीमारियों का तज़किरा मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ ताकि हमें सलाजीत की अहमियत समझ में आए। सलाजीत किन किन बीमारियों में काम आता है? जिरियान, ये एक जनाना बीमारी है जो औरतों से रिलेटेड है। जिरियान की बीमारी में औरतें मुलव्विस हो जाती हैं, मुबतला हो जाती हैं, कमर कटने की बीमारी में मुबतला हो जाती हैं, उसके लिए सलाजीत बे इंतहा मुअस्सिर है और बहुत फ़ायदेमंद है, मुजर्रब है, लोगों का तजर्बा किया हुआ है, कुदरती पैदावार है। ऐसे ही किसी मर्द को एहतलाम ज़्यादा होते हों, सोते हुए नहाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, तो उसके लिए भी सलाजीत बेहतरीन तोहफ़ा है। ऐसे ही मर्दाना कमज़ोरी हो, कोई मर्द कोई लड़का बीवी के लायक ना हो, तो उस मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी सलाजीत बे इंतहा मुअस्सिर है। बल्कि अवाम और पब्लिक में तो सलाजीत को जाना ही इस उन्वान से जाता है कि यह मर्दाना कमज़ोरी की दवा है। हालांकि ये सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोरी की दवा नहीं है, बल्कि बहुत सारी और परेशानियों की ये हल और दवा है। चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं रहता, उनके लिए भी सलाजीत बहुत मुअस्सिर और बेहतरीन दवा है। पांचवा फ़ायदा ये है कि सलाजीत जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जिस्मानी थकावट के लिए, बदन में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी थकावट महसूस हो रही हो, बदन सुस्त रहता हो, उन तमाम चीज़ों के लिए भी सलाजीत बहुत अच्छा और मुफीद तरीन इलाज है। छठा फ़ायदा सलाजीत का ये है कि अगर किसी इंसान को पेशाब कसरत से आता है, बार बार पेशाब आने की कमज़ोरी है, बार बार पेशाब उसको आता रहता है, तो सलाजीत उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे इंसान को भी सलाजीत इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए भी सलाजीत बेहतरीन तोहफ़ा है। शुगर पेशेंट के लिए भी सलाजीत बेहतरीन तोहफ़ा है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही हांक नहीं रहा हूँ, बल्कि मुजर्रबात हैं, हुकमा और अतिब्बा सलाजीत के फ़वाइद ज़िक्र फरमाते हैं और उसमें ये सारी बातें बताते हैं। ऐसे ही सलाजीत कुव्वत बाह मसाने को तकवीत देने के लिए, बाह को बढ़ाने के लिए और मसाने को मजबूत करने के लिए सलाजीत बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन दवा है। ऐसे ही सलाजीत दिमागी कमज़ोरी के लिए भी, जो बच्चे दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी मुफीद है, या बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से जिन लोगों के दिमाग कम काम करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी सलाजीत बेहतरीन नुस्खा है, वो भी इस्तेमाल करें। ये 10 फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में मोटे मोटे ज़िक्र किए हैं सलाजीत के।
तो जो भी लोग और जो भी हमारी ख्वातीन इस तरीक़े की बीमारियों में मुलव्विस हैं उनको सलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सलाजीत इस्तेमाल कैसे करेंगे? सलाजीत इस्तेमाल करने का तरीक़ा ये है कि रात को सोने से पहले गेहूं के दाने के बराबर चम्मच की नोक पर लें और उसको हल्के गर्म दूध या चाय में घोल लें, मिक्स करके अच्छे से उस दूध या चाय को पी जाएं। और अगर कोई गर्म मिजाज वाले हैं, किसी के मिजाज में गर्मी ज़्यादा है, तो वो गर्म दूध या इसी तरीके पर गर्म चाय में न लें, बल्कि वो सलाजीत को ठंडे दूध या इसी तरीके पर दूध की लस्सी में मिला करके पिए। ये सलाजीत इस्तेमाल करने का तरीक़ा है। एक बात और ख़ास तौर पर याद रखें कि जिनकी एज 50+ है, वो 2 से 3 महीने लगातार अगर सलाजीत को इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, वो 2 से 3 महीने लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यंग हैं, जवान हैं, तो उनको सलाजीत ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे ज़्यादा उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ख़ास बात और जहन में रखें कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का हार्ट पेशेंट हो, शदीद तरीक़े की हार्ट पेशेंट या और किसी तरीक़े की शदीद बीमारी में मुबतला हो, तो सलाजीत अपने डॉक्टर के मशोरे से इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर वक्त पर मशोरा दे तो इस्तेमाल करें, ना मशोरा दे तो ना इस्तेमाल करें। बाकी ये फवाइद इसके मुसल्लम हैं, इंशाअल्लाह ताला अच्छे नताइज सलाजीत के वाबस्त से निकल कर के आते हैं। अब आप कहेंगे जी जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं ये हमको मिलेगी कहाँ से? अगर आप सलाजीत लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। ऑल इंडिया आप कहीं भी हमसे ये डिलीवरी का डिलीवर करा सकते हैं। हमारे इस कॉन्टेक्ट पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और मैसेज के ज़रिए अपना एड्रेस भेजें और फिर आप ऑल इंडिया कहीं भी हमसे डिलीवर करा सकते हैं, इंशाल्लाह होम डिलीवरी की जाएगी। और ये बात याद रखें, सलाजीत तोले के हिसाब से मिलता है, इसकी कीमत तोले के हिसाब से होती है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो हमारे इस नंबर पर पूरी बात लिखें, आपको तसल्ली बख्श सारी बातों का जवाब दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये खालिस सलाजीत आपको मुहैया कराई जाएगी, जो आप एक बार ख़रीदने के बाद बार बार तमन्ना रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझ नसीब फरमाए और तमाम तरीक़े की आफात और परेशानियों से महफूज रखें।